दोस्तों सुजलॉन एनर्जी ने अपने क्वार्टर थ्री के नंबर्स को डिक्लेयर कर दिया है। नंबर्स कैसे निकल कर आए हैं स्पेनी स्टॉक्स के, और साथ ही साथ मार्केट क्लोज होने के पहले आज के दिन सुजलॉन के अंदर हमें काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ऑफिशियल प्रेस रिलीज मैंने आपके सामने ओपन कर लिए। सबसे पहले नंबर्स की तरफ चलते हैं कि नंबर्स कंपनी के किस प्रकार से निकल कर आए हैं। सुजलॉन के नंबर्स मैंने आपके सामने ओपन कर रखे हैं, सारे फिगर्स यहां पर रुपीज इन करोड़ में हैं, तो आपको कंफ्यूजन बिल्कुल भी नहीं लेना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कंपनी की टोटल इनकम के बारे में। तो क्वार्टर थ्री के अंदर जो कंपनी ने टोटल इनकम जनरेट करी है वो है 1464 यानी कि 1464 करोड़ रुपए की, जो कि लास्ट क्वार्टर में यानी कि क्वार्टर टू के अंदर 1442 करोड़ रुपए की थी। तो ओवरऑल क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर सुजलॉन की इनकम में काफ़ी अच्छी जंप हमें देखने को मिल रही है। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात कर लेते हैं, तो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में कंपनी की इनकम 1615 करोड़ रुपए की थी, जो कि इस बार घटकर 1464 करोड़ रुपए की रह गई है, यानी कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पर कंपनी की इनकम के अंदर गिरावट हुई है, ये चीज हमें देखने को मिल रही है। चलिए अब बात कर लेते हैं सुजलॉन एनर्जी के टोटल एक्सपेंसेस के बारे में। 1386 करोड़ रुपए के टोटल एक्सपेंसेस कंपनी ने क्वार्टर थ्री के अंदर डिक्लेयर किए हैं, जो कि लास्ट क्वार्टर में 1427 करोड़ रुपए के थे। यानी कि एक तरफ कंपनी की इनकम बढ़ी है और दूसरी तरफ कंपनी के खर्चे कम हुए हैं, जिसका बेनिफिट कंपनी को उसके नेट प्रॉफिट में देखने को मिलेगा। आगे चलते हैं और बात करते हैं लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री की। तो लास्ट ईयर के क्वार्टर थ्री में कंपनी के एक्सपेंसेस 1573 करोड़ रुपए के थे, यानी कि ओवरऑल अगर आप देखेंगे सुजलॉन एनर्जी की इनकम भले ही ईयर ऑन ईयर बेसिस पर डिक्लाइन हुई है, लेकिन कंपनी के एक्सपेंसेस के ऊपर काफी अच्छे कंट्रोल के चलते कंपनी को यहां पर जो प्रॉफिट है उसमें काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। तो नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड की अगर बात करें तो 78 करोड़ रुपीज का प्रॉफिट कंपनी ने डिक्लेयर किया है क्वार्टर थ्री के अंदर, जो कि लास्ट क्वार्टर में अगर आप देखेंगे तो 56 करोड़ रुपीज का था। यानी कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर कंपनी के प्रॉफिट में काफ़ी शानदार जंप हमें देखने को मिल रही है। और अगर आप यही नंबर्स देखेंगे कि कितनी ग्रोथ यहां पर कंपनी ने डिक्लेयर करी है, तो 78 करोड़ और साथ ही साथ लास्ट क्वार्टर में 56 करोड़, यानी कि 22 करोड़ का प्रॉफिट की जंप हमें क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर देखने को मिल रही है। और अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पर बात करी जाए तो 41 करोड़ रुपीज से प्रॉफिट इंक्रीज होते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि कंपनी का प्रॉफिट हमें ऑलमोस्ट दो गुना से भी ज़्यादा होते हुए देखने को मिल रहा है। और बहुत ही शानदार नंबर सुजलॉन ने इस बार भी डिक्लेयर किए हैं। अब बात कर लेते हैं कंपनी के अर्निंग पर शेयर रेशियो के बारे में। तो सुजलॉन का अगर आप अर्निंग पर शेयर रेशियो देखेंगे तो वो भी बढ़कर 0.07 पर पहुंच चुका है, यानी कि काफी शानदार रिजल्ट कंपनी ने डिक्लेयर किए हैं क्वार्टर थ्री के अंदर, जिसका सीधा बेनिफिट आप इसकी शेयर प्राइस के ऊपर भी देख सकते हैं। आज के दिन सुजलॉन के अंदर मार्केट क्लोज होने के ठीक आधे घंटे पहले हमें काफ़ी अच्छी तेजी भी देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल जो नंबर्स प्रिडिक्ट किए गए थे उसी के अकॉर्डिंग नंबर्स देखने को मिल रहे हैं। तो यदि आपने स्पेनिश स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रखा है तो ये शेयर्स बहुत जल्दी आपको अगेन टू डिजिट में आते हुए देखने को मिलने वाला है। तो यहाँ पर आप अपनी पोजीशंस को होल्ड करते हुए चल सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो और अपडेट पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।